आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही खास। आज हम सिंपल सूट की कटिंग करना आपको बताएंगे, जिसके नीचे पल्लू में डिजाइन है। तो सिंपल से सिंपल तरीके से बताऊंगी कि आसान से आसान तरीके से आपको समझ आ जाए। तो ये दुपट्टे का सूट है, इसको मैं आपके सामने ये कट करके दिखाऊंगी। पहले आपको नाप बता देती हूँ। अब क्योंकि ये ऑल ओवर सूट है तो इसकी कमीज और सलवार दोनों का ही कपड़ा है, सेम है, तो दोनों की ही मैं कटिंग आपको करके बताऊंगी। सबसे पहले सिंपल कमीज की कटिंग है। नाप मैंने ये ले लिया है, लेंथ है 43 इंचेस है, तीरा है 14 इंचेस, ब्रेस्ट है 1.5 इंच और कंधा 7.5 इंच, घेरा 22 इंच, चाक 1.5 इंच पे आएंगे, बाजू लंबाई है वो 15 इंच की रहेगी और बाजू की मोरी है आगे से खुली कितनी रखनी है वो 5.5 इंच। तो अब है सलवार की लंबाई। सलवार की लंबाई है 36 इंच तैयार, बेल्ट है 5.5 इंच तैयार, मोहरी 6 इंच, मोहरी बुकरम जो हमने मोहरी का डिज़ाइन बनाना तो वो अपने अकॉर्डिंग होता है, 2.5 इंच 3 इंच जितना भी आपको अच्छा लगे। तो अगला है सलवार का मोहरी पार्ट। यहाँ से हमने जो सेंटर पार्ट हम कट करते हैं सलवार का, कुंडी के बिना मोहरी पार्ट सलवार का बोला जाता है, वो हम 6 इंच का कट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, कपड़े को अनफोल्ड करते हैं। उसके लिए सामान हमें ये स्केल्स वगैरह चाहिए, चौक चाहिए, इंच टेप, कैंची वगैरह सब कुछ हमने रख लिया है। सबसे पहले हम कपड़े को अनफोल्ड करेंगे।